नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक्शन में बिहार पुलिस। पटना हाईकोर्ट का फैसला, के पाठक की अध्यक्षता में नहीं होगी वीसी की बैठक। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 167 बूथ सेंसिटिव। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में अब तक 78 लाख से अधिक रुपए जब्त। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच हारने का बताया कारण। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक्शन में बिहार पुलिस। वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में। आपको बता दें कि राज्य में मतदान का प्रतिशत कम देखने को मिला और इसे बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग के साथ ही अलग अलग विभागों के द्वारा इसके लिए प्रयास जारी है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिहार पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर रोचक वीडियो को शेयर किया जा रहा है। बिहार पुलिस के द्वारा लोगों से यह अपील की जा रही है कि वे लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दें और आलस नहीं करते हुए वोट देने के लिए जाएं। लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम की जानकारी भी इंटरनेट के माध्यम से बिहार पुलिस दे रही है। वाहन चेकिंग और फ्लैग मार्च से जुड़े हुए वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट का फैसला, के पाठक की अध्यक्षता में नहीं होगी कुलपतियों की बैठक। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों के खातों को फ्रीज करने के आदेश पर रोक लगा दिया है। शिक्षा विभाग और राजभवन के टकराव के बीच हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुल सचिवों और अन्य कर्मियों के वेतन पर रोक हटा दी है। दरअसल वीसी के वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विश्वविद्यालय कानून के तहत शिक्षा विभाग वीसी को बैठक में भाग लेने के लिए नहीं बुला सकता है। वरीयता के क्रम में चांसलर सबसे ऊपर होते हैं, इसके बाद वीसी और इसके बाद विभाग के सचिव का नंबर आता है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय बैठक का आदेश दिया और साथ ही कहा है कि शिक्षा विभाग की बैठक के पाठक की अध्यक्षता में नहीं होगी। राज्य के मुख्य सचिव बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं अगर वो बैठक में शामिल होते हैं तो। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 167 बूथ सेंसिटिव। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 167 बूथ सेंसिटिव घोषित कर दिए गए हैं। मालूम हो कि यहां पर 7 मई को चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि झंझारपुर, अररिया, सुपौल, खगड़िया और मधेपुरा में तीसरे चरण का चुनाव होना है। संवेदनशील बूथों पर शाम के 4 बजे तक ही मतदान हो। भारत निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण में 2 लोकसभा सीट के 167 बूथ को संवेदनशील घोषित कर दिया है और इधर चौथे चरण में 119 बूथ संवेदनशील घोषित हुए हैं। फिलहाल छठे चरण में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में चुनाव होना है। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का दिखा जलवा। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला है। गया जिले के इमामगंज के बच्चों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिहार के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल करके पूरे बिहार का मान बढ़ाया है और इन्हें कबड्डी के साथ ही क्रिकेट में भी अपना दमखम दिखाया है। आपको बता दें कि कबड्डी के मैच में असम को इन्होंने 6 पॉइंट से हरा कर फाइनल में जीत दर्ज की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में अब तक 78 लाख रुपए से अधिक जब्त। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में अब तक 78,70,591 रुपए जब्त हुए हैं। हर दिन औसतन 12 लाख कैश बरामद हो रहा है। वहीं राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है लेकिन अब तक 30,23,18,591 रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया गया। नशा मुक्त बिहार में नशे से जुड़े हुए सामानों की तस्करी हो रही है। कैश की जांच के लिए बिहार पुलिस के साथ ही सेंट्रल एजेंसी भी एक्टिव मोड पर है। स्वच्छ और भय मुक्त मतदान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बिहार में मदरसों की जांच को लेकर दिया आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने मदरसों की जांच का आदेश दिया है। विभाग के अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर ही 458 मदरसों की जांच कर रिपोर्ट को दाखिल करने का आदेश दिया गया है और इस जांच में अधिकारियों को मदरसे के आधारभूत संरचना, शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या, उनकी योग्यता, बच्चों की संख्या और आंतरिक अंकेक्षण आदि की जाँच करने से संबंधित निर्देश दिया गया है। वहीं इस जाँच रिपोर्ट के सामने आ जाने के बाद विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी और इसके बाद संबंधित मदरसों की मान्यता खत्म करने या फिर
या नहीं करने से संबंधित फैसला लिया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इससे संबंधित आदेश दे दिया गया है। विदेशों में नौकरी का ऑफर मिलने पर फर्जी एजेंट से रहे अलर्ट। कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नौकरी का ऑफर मिलने पर सावधान होने की जरूरत है। धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट रहना जरूरी है। बताया जाता है कि इन दिनों फर्जी एजेंट एक्टिव है। ये साइबर अपराध को लेकर भी सक्रिय है। ये भारतीय एजेंटों के साथ मिलकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसे लेकर पटना स्थित विदेश मंत्रालय के प्रवासी संरक्षक कार्यालय ने इन क्षेत्रों में नौकरी की चाह रखने वाले लोगों को अलर्ट किया है। लोगों को ये सलाह दी गई है कि केवल भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अधिकृत एजेंटों के माध्यम से ही संपर्क करें और ऐसा नहीं करने पर आपके साथ धोखा हो सकता है। वेबसाइट emigrate.gov.in पर वास्तविकता की पहचान की जा सकती है। भीषण गर्मी के बीच पैदल राहगीरों के लिए कंकरबाग रोटरी क्लब ने की अच्छी पहल। गर्मी में राहगीरों के लिए रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकरबाग के डॉक्टर्स कॉलोनी H30 के सामने पंचशाला का उद्घाटन DZE रोटेरियन विपिन चचान के द्वारा किया गया है। गर्मी के दिनों में पीने के जल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 3 महीने तक इसे संचालित किया जाएगा। पैदल राहगीरों को पानी के साथ गुड़ और चना भी दिया जाएगा। क्लब के द्वारा समय समय पर अलग अलग सामुदायिक कार्य कराए जाते हैं और इस अवसर पर आपको बता दें कि क्लब के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, सचिव अजित कुमार सिन्हा, डॉक्टर राकेश प्रसाद, डॉक्टर शंकरनाथ, डॉक्टर दीप्ति सहाय सहित अन्य सदस्य और नागरिक मौजूद रहे। बिहार में कई ट्रेनों के लेट होने से यात्री हुए परेशान। बिहार में ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि ट्रेनों के लेट हो जाने के कारण प्रचंड गर्मी है। गर्मी की वजह से कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे तक लेट चल रही है। इस कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है और साथ ही टिकट की उपलब्धता भी फिलहाल कम है। पटना जंक्शन पर बीते दिन 7 स्पेशल ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लेट पहुंची। आपको बता दें कि लखनऊ मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन 1 घंटे तक देरी से पहुंची है। पटना आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल पटना से 8 घंटे देरी से खुली और इस दौरान इस ट्रेन को 2 बार रीशेड्यूल किया गया। पटना में खास तरह से लोगों से की जा रही मतदान की अपील। बिहार के पटना में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को खास तरीके से जागरूक किया जा रहा है। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रही है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इस कारण सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पर्चे के माध्यम से लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है और इसके द्वारा कचरा वाहन से भी वोट देने की लोगों से पटना में अपील की जा रही है। कचरा वाहनों से मतदान जागरूकता के लिए घूम घूम कर प्रचार किया जा रहा है। बिहार में लोकसभा के चुनाव का 2 चरण खत्म हो चुका है। ऐसे में आपके अनुसार यहां मतदान का प्रतिशत कम होने का क्या कारण हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। पवन सिंह ने भाजपा से इस्तीफे को लेकर कही ये बात। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। वहीं भाजपा ने पवन सिंह को आसनसोल से अपना प्रत्याशी बनाया था और उसके 24 घंटे के बाद ही पवन सिंह ने इस टिकट को लौटा दिया था। वहीं अब पवन सिंह ने भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि काराकाट की जनता का उन्हें प्यार मिल रहा है। जो बातें बीत गई है वो इसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। भोजपुरी एक्टर ने कहा है कि भारत में हर व्यक्ति को आजादी से जीने और रहने का हक है। भाजपा से इस्तीफा देना समय की बात है और समय पर हर चीज का फैसला हो जाएगा। चोटिल रहने के बावजूद रैली करेंगे तेजस्वी यादव। राजद की ओर से ये जानकारी दी गई है कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चोटिल है, लेकिन फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजद परिवार उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रैली करेंगे। इधर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आराम के अभाव और निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते से कमर में दर्द था। 2 दिन से अचानक ये बढ़ गया है, लेकिन मेरा ये दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ नहीं है जो नौकरी रोजगार के आस में बैठे हैं। उनके सपने को विगत 10 वर्षों से धर्म की आड़ में कुचला गया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वो अपने दर्द को भूल जाते हैं जब देखते हैं कि कैसे गरीब माता बहने को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी पीड़ा का अनुभव होता है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला।
लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते तो तेजस्वी यादव के द्वारा सवाल उठाया जाता है। चिराग पासवान ने कहा है कि वो भी एम और वाई समीकरण को मानते हैं। इसमें एम से महिला और आई से युवा है। इस समीकरण में सभी वर्ग के महिला और युवा शामिल है। चिराग पासवान ने दरभंगा एम्स को लेकर कहा कि एम्स बनेगा भी और उसमें लोगों का इलाज भी होगा। इन लोगों के समय में अस्पताल की क्या स्थिति थी। प्रशांत किशोर ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि गरीबों का हक हर उस सरकार ने मारा है जो पिछड़ों की बात कर पिछड़ों से सिर्फ वोट लेते आए हैं। प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि अपना फायदा देखिए, अपने बच्चों का फायदा देखिए और तभी जाकर आपकी उन्नति हो सकेगी। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कम से कम 75 लोग आपके समाज से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच हारने का बताया कारण। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच हारने का कारण बताया। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 साल के बाद पहली बार वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। आईपीएल 2024 के 91 मैच में कोलकाता ने मुंबई इंडियंस को 24 रनों से हरा दिया। मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट चटकाए। इस करारी हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या नाराज दिखे। उन्होंने कहा है कि एक बैटिंग यूनिट के तौर पर हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। हमारी टीम साझेदारी बनाने में सफल नहीं रही। T20 में लगातार विकेट गंवाने का हर्जाना भुगतना पड़ता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, विश्व टूना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? सही जवाब है 2 मई। किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब अपने नाम किया है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड या फिर अफगानिस्तान? सही जवाब है भारत। ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका, भारत, श्रीलंका या नेपाल? सही जवाब है श्रीलंका। एससी ने बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया है? 30%, 33%, 35% या फिर 34%? सही जवाब है 33%। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? इस्तांबुल, दमिश्क, हरारे या एडिनबर्ग? सही जवाब है एडिनबर्ग। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, गुणर शर्मा, नुनु गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, मोहम्मद शकीर हुसैन, रामायण मिश्रा, नवल किशोर झा, नौशाद राजा, राकेश मिश्रा, सदुल्ला पालवी, नंद कुमार सिंह, दीपक कुमार। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आपके अनुसार गर्मी से बचने के लिए सड़कों पर लोगों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।